दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं बेबी डॉजकॉइन के बारे में। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है रियलिटी ऑफ बाइनेंस लिस्टिंग, मतलब बाइनेंस की लिस्टिंग की वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। क्योंकि गाइस अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट में जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं उन सभी के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो बाइनेंस की ही एक ऐसी लिस्टिंग मानी जा रही है जो कि बेबी डॉजकॉइन की प्राइस में एक शानदार बूस्ट दिला सकती है, एक शानदार ग्रोथ करा सकती है, जिसके बाद देन आपको गाइस बेबी डॉजकॉइन की प्राइस से 10x, 50x या तक 100x तक का प्रॉफिट इजीली मिल सकता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम बाइनेंस लिस्टिंग की सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। बाइनेंस की लिस्टिंग कब तक हो सकती है, किस वजह से हो सकती है और कैसे हो सकती है, सारी की सारी डिटेल्स के बारे में गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो अगर आप सब भी गाइस बेबी डॉजकॉइन के इन्वेस्टर हो, बहुत टाइम से अगर आप सबने बेबी डॉजकॉइन को होल्ड कर रखा है, प्रॉफिट का वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो गाइस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और जो भी गाइस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी आपको बेबी डॉजकॉइन के रिगार्डिंग ऐसी ही इंपोर्टेंट वीडियो इस चैनल के जरिए मिलने वाली है। सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहां पर हम बात करते हैं बेबी डॉजकॉइन, आज अगर हम बात करते हैं कुछ हाल ही की सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो आज गाइस देख सकते हो बेबी डॉजकॉइन 1.4 की सीरीज में यहां पर ट्रेड कर रहा है, मतलब पॉइंट के बाद गाइस पूरे के पूरे 8 टाइम जीरो का गैप है। देन 1.4 की सीरीज में आज के दिन बेबी डॉजकॉइन ट्रेंड कर रहा है जो कि अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 92.81% डाउन में है, जैसा कि आप देख सकते हो। मतलब यहां पर बेबी डॉजकॉइन का अभी तक का 52 वीक्स का जो ऑल टाइम हाई रहा है वो यहां पर आप देख सकते हो, पॉइंट के बाद 8 टाइम जीरो का गाइस इसमें भी गैप रहा है। 63 की सीरीज तक बेबी डॉजकॉइन का 52 डेज से लास्ट 52 डेज से ऑल टाइम हाई रहा है, मतलब बेबी डॉजकॉइन कहीं ना कहीं इस टाइम पर गाइस काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। और इसीलिए गाइस बाइनेंस की लिस्टिंग से ही एक उम्मीद लगा जा रही है कि बेबी डॉजकॉइन की प्राइस में एक शानदार ग्रोथ कर सकती है बाइनेंस की लिस्टिंग। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेबी डॉजकॉइन के, यहां पर आप करंट होल्डर देख सकते हो, 1.6 मिलियन होल्डर बेबी डॉजकॉइन की कम्युनिटी के साथ करंट में एंगेज है। हाल ही में बेबी डॉजकॉइन ने एक न्यू माइलस्टोन को हिट किया जो कि 16 लाख का था। हाल ही में बेबी डॉजकॉइन के साथ पूरे के पूरे गाइस 16 लाख होल्डर कंप्लीट हो चुके हैं, एंगेज हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं गाइस बेबी डॉज होल्डर के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है, एक ग्रीन सिग्नल है। क्योंकि गाइस एक मीम कॉइन की ग्रोथ में कहीं ना कहीं कम्युनिटी का गाइस एक मेन सपोर्ट होता है और यहां पर बेबी डॉजकॉइन की कम्युनिटी गाइस एक शानदार ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है जो कि सभी बेबी डॉज होल्डर के लिए गाइस एक ग्रीन सिग्नल है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्विटर हैंडल पर गाइस कम्युनिटी, आप देख सकते हो 1.5 मिलियन की कम्युनिटी ट्विटर हैंडल पर भी है, मतलब कहीं ना कहीं 15 लाख प्लस ट्विटर हैंडल पर भी होल्डर फॉलोअर या फिर कहें जो सपोर्टर हैं बहुत जुड़ चुके हैं बेबी डॉजकॉइन के साथ, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी गाइस एक ग्रीन सिग्नल है। क्योंकि गाइस कम्युनिटी जैसे कि मैंने आपको बताया एक मीम कॉइन का एक मेन सपोर्ट होता है। एंड इसके अलावा कॉइन मार्केट कैप पर गाइस बेबी डॉजकॉइन करंट में 231 नंबर पर रैंक कर रहा है, 231 की रैंक पर बेबी डॉजकॉइन यहां पर कॉइन मार्केट कैप पर रैंक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रैंक जो है गाइस कॉइन मार्केट कैप पर एक शानदार है। क्योंकि हम सभी जानते हैं गाइस कॉइन मार्केट कैप पर करीबन 20,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है, एक्टिव है, और उनमें बेबी डॉजकॉइन की रैंक आप देख सकते हो गाइस 231 है, तो कहीं ना कहीं एक शानदार रैंक है यहां पर बेबी डॉजकॉइन की। एंड इसके अलावा गाइस वॉच लिस्ट यहां पर 3 लाख प्लस है। वॉच लिस्ट गाइस एक कोई किसी भी कॉइन के लिए प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं दिला सकती, बट कहीं ना कहीं इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बेबी डॉजकॉइन को लेकर कितने लोग यहां पर एक्टिव हैं। और बेसिकली ये कुछ गाइस बेबी डॉजकॉइन की करंटली सिचुएशन है। एंड अब बात करते हैं गाइस पॉइंट ऑफ बाइनेंस लिस्टिंग, मतलब बाइनेंस की लिस्टिंग को कौन कौन से पॉइंट यहां पर बाइनेंस की लिस्टिंग करा सकते हैं, किस वजह से करा सकते हैं और कब तक करा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहां पर बात करते हैं बर्निंग क्वांटिटी। बर्निंग की बात करें तो गाइस बेबी डॉजकॉइन की जैसा कि हम सभी जानते हैं टोटल जो सर्कुलेशन सप्लाई है, टोटल जो यहां पर मैक्सिमम सप्लाई है वो गाइस यहां पर 420 कोडेलन है। 420 कोडेलन में से गाइस 53% जो क्वांटिटी है वो यहां पर ऑलरेडी बर्न हो चुकी है, एंड 47% जो क्वांटिटी है वो अभी इस टाइम पर लेफ्ट है, मतलब धीरे धीरे वो भी बर्न हो जाएगी। एंड अभी के टाइम पर करंटली अगर हम बात करते हैं सर्कुलेशन सप्लाई के बारे में तो 188 कोडेलन गाइस बेबी डॉजकॉइन की यहां पर टोटल मैक्सिमम सप्लाई बची हुई है और जो बाकी है वो गाइस यहां पर बर्न हो चुकी है। करंटली आपको 188 कोडेलन ओनली बेबी डॉजकॉइन की टोटल सप्लाई देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइस हाल ही में एक बड़ी बर्निंग हुई थी बेबी डॉजकॉइन की 50 कोडेलन की, जिसकी वजह से बेबी डॉजकॉइन की सर्कुलेशन सप्लाई काफी हद तक कम हो चुकी है और धीरे धीरे गाइस जो 188 कोडेलन बेबी डॉजकॉइन की सर्कुलेशन सप्लाई बची हुई है वो भी गाइस मंथली बेसिस पर बर्न हो जाएगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं गाइस बेबी डॉजकॉइन की मंथली बेसिस पर जो बर्निंग होती है वो हमको कोडेलन में देखने को मिलती है, डेली बेसिस पर भी गाइस हमको ट्रिलियन में मिलियन में देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं 188 कोडेलन जो क्वांटिटी है वो भी गाइस धीरे धीरे बर्न हो जाएगी यहां पर बेबी डॉजकॉइन की कम्युनिटी के द्वारा। और देन गाइस अगर हम बात करते हैं तो बाइनेंस की लिस्टिंग हो सकती है, बिकॉज गाइस बाइनेंस उन्हीं टोकन को लिस्ट करता है जिसकी सर्कुलेशन सप्लाई गाइस काफी कम हो उसके बाद गाइस बाइनेंस किसी भी टोकन को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करता है। और बाइनेंस गाइस जैसा कि हम सभी जानते हैं वर्ल्ड का एक टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो कहीं ना कहीं यहां पर बेबी डॉजकॉइन की सर्कुलेशन सप्लाई धीरे धीरे कम होगी, उसके बाद गाइस धीरे धीरे बेबी डॉजकॉइन की लिस्टिंग के भी चांस बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है कि यहां पर बाइनेंस की लिस्टिंग का वो है गाइस बेबी डॉजकॉइन की बर्निंग की क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी, और इसी तरीके से अगर बर्निंग होती है एक आध और हमको बड़ी बर्निंग देखने को मिलती है जैसे कि हाल ही में देखने को मिली 50 कोडेलन की, तो डेफिनेटली गाइस बेबी डॉजकॉइन की जो लिस्टिंग है वो आपको एंड ऑफ 2022 के एंड तक आपको देखने को मिल सकती है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी की सपोर्ट की अगर हम बात करते हो गाइस इस टाइम पर कम्युनिटी काफी ज्यादा बेबी डॉजकॉइन को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया बेबी
डोजकॉइन की कम्युनिटी के साथ करंट में गाइस 16 लाख प्लस होल्डर एंगेज हैं, और इसी की वजह से गाइस सेकंड पॉइंट बनता है कि बेबी डोजकॉइन की लिस्टिंग बाइनेंस एक्सचेंज पर हो सकती है, क्योंकि गाइस बेबी डोजकॉइन एक बेस्ट कम्युनिटी, वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी जैसा कि हम सभी जानते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो इजीली गाइस बाइनेंस जो एक्सचेंज है वो बेबी डोजकॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकता है, क्योंकि गाइस एक बड़ा कम्युनिटी के साथ जो कॉइन है वो गाइस लिस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर बाइनेंस इजीली लिस्ट कर सकता है बेबी डोजकॉइन को कम्युनिटी की वजह से। और इसी तरीके से गाइस अगर आप कम्युनिटी को एंगेज करते हो, कम्युनिटी को एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हो, तो डेफिनेटली गाइस बहुत जल्दी यहां पर बेबी डोजकॉइन की आपको बाइनेंस की लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। और जहां तक गाइस बाइनेंस के जो जीओ है वो 2022 के एंड तक बेबी डोजकॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस थर्ड जो रीजन है वो यहां पर यूज केस है, हाल ही में गाइस अगर हम बात करते हैं बहुत हद तक बेबी डोजकॉइन का यूज केस इंक्रीज हुआ है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बेबी डोजकॉइन को यूज किया जा रहा है इस टाइम पर पेमेंट मेथड के तौर पर, तो कहीं ना कहीं यूज केस भी गाइस धीरे धीरे यहां पर बिल्ड हो रहा है बेबी डोजकॉइन का। और यूज केस अगर बढ़ेगा तो फ्यूचर में गाइस बेबी डोजकॉइन की प्राइस में अभी आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि यूज केस से गाइस बेबी डोजकॉइन का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम आई हुआ, और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जब आई हुआ तो डेफिनेटली गाइस बेबी डोजकॉइन की प्राइस में भी आपको एक शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फोर्थ टोकन के बारे में, वो गाइस बेबी डोजकॉइन का ऑफिशियल स्वाइप है, हाल ही में बेबी डोजकॉइन का एक ऑफिशियल स्वाइप हुआ है बेबी डोज स्वाइप के नाम से, जो कि गाइस लॉन्च हो चुका है हाल ही में मार्केट के अंदर, एंड उसकी वजह से गाइस बेबी डोजकॉइन को बाय एंड सेल करना और भी ज्यादा इजी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इन सभी को मिलाकर हम बात करते हैं एंड ऑफ 2022 के एंड तक आपको बेबी डोजकॉइन की लिस्टिंग बाइनेंस एक्सचेंज पर देखने को मिल सकती है। और बाइनेंस की लिस्टिंग की बात अगर हम बात करते हैं कुछ आपको मोमेंटम भी देखने को मिलेंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं बाइनेंस की लिस्टिंग आफ्टर बाइनेंस लिस्टिंग की बात अगर हम बात करते हैं, तो गाइस यहां पर 2 से 3 से 4 जीरो जो है वो यहां पर इजीली किल हो सकते हैं, क्योंकि सीबाइन कॉइन की जब लिस्टिंग हुई थी बाइनेंस एक्सचेंज पर तो गाइस 4 जीरो किल किए थे सीबाइन कॉइन ने, एंड यहां पर अगर हम बात करते हैं बेबी डोजकॉइन गाइस यहां पर 5 जीरो तक किल कर सकता है, क्योंकि बेबी डोजकॉइन गाइस एक कम्युनिटी का बहुत शानदार सपोर्ट है, उस टाइम पर सीबाइन कॉइन को इतना सपोर्ट नहीं मिला था, बट कम्युनिटी का गाइस यहां पर बेबी डोजकॉइन को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर 5 जीरो की आप किलिंग की उम्मीद कर सकते हो। और 5 जीरो भी अगर 3 से 4 जीरो भी किल हो जाते हैं तो गाइस आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको 500x तक का इजीली प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेजर बाइनेंस की लिस्टिंग के बाद आपको और मेजर एक्सचेंज पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, जैसे कि यहां पर बजीरएक्स हो गया, कोइनडीसीएक्स हो गया, मार्केट में मतलब इंडियन क्रिप्टो मार्केट के जितने भी एक्सचेंज हैं उन पर आपको बेबी डोजकॉइन की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, एंड एनएफटी प्लेटफॉर्म में भी आपको बूस्ट देखने को मिल सकता है बाइनेंस की लिस्टिंग के बाद। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं गाइस 2022 के एंड तक आपको बाइनेंस की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, डेफिनेटली बाइनेंस के जो सीईओ हैं उन्होंने भी गाइस हाल ही में अनाउंसमेंट की थी कि 2022 के एंड तक हम बेबी डोजकॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप बेबी डोजकॉइन के इन्वेस्टर हो तो एटलीस्ट गाइस आप बाइनेंस की लिस्टिंग का तो वेट डेफिनेटली करना, क्योंकि बाइनेंस की लिस्टिंग के बाद ही आपको मेन प्रॉफिट मिलेगा बेबी डोजकॉइन से। सो बेसिकली इन रीजन की वजह से बेबी डोजकॉइन की आपको बाइनेंस की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड साथ ही साथ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।